आगरा सदर बट्टी मंटोला थाने के अंतर्गत काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। मौके पर पहुंचे एसएसपी बबलू कुमार पैदल मार्च कर क्षेत्र का जायजा लिया। करीब 40 के ऊपर सेक्टर्स बना दिए गए हैं, उसके ऊपर जोन बना दिए गए हैं, अधिकारियों को हर जिला स्तरीय अधिकारी का उनका काउंटर पार्ट पुलिस के साथ क्षेत्र में घूम रहा है। इसके अलावा जो मैजिस्ट्रेट्स हैं उनका जिनके ड्यूटी भी उनके पुलिस के काउंटर पार्ट के साथ वो लोग भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। कंट्रोल रूम बनाया गया है और कंट्रोल रूम में अधिकारियों का ड्यूटी लगाया गया है और पूरे जिले का पल पल का कवर लिया जा रहा है। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो हम लोग तत्काल में QRT के माध्यम से उसको हैंडल करने के लिए सक्षम। सर इंटरनेट सेवाएं कब से बंद रहेंगी? वो सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक बंद करने के लिए हमने आदेश दिया है। उसका कड़ों का अनुपालन 12 बजे के बाद शिफ्ट से किया गया। शहर में हम लोगों ने पीस कमेटी की बैठक करकर लोगों से बातचीत करकर लोगों को इन्वॉल्व करकर इस चीज़ की हमने तैयारी कर ली थी और आज जब जजमेंट आने वाला है पूरे शहर में हमारी सिविल स्कीम लागू कर दी गई है और इसमें 3 सुपर जोन, 5 जोन और 15 जो है वो सेक्टर भी बनाए गए हैं। प्रत्येक सेक्टर्स में जो हमारे पॉइंट्स हैं कुल करीब 150 के आसपास पॉइंट्स पर हमारे फोर्स लगे हुए हैं। करीब 50 से ज़्यादा QRT टीम हमारी जो है वो मोबाइल कर रही है। सभी पुलिस अधिकारी और मैजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। इसके अतिरिक्त हमने इस बार सिविल डिफेंस की भी ड्यूटियाँ जो है इंपॉर्टेंट जगहों पर लगाई है। साथ ही साथ जो हमने मोहल्ले वाइज सम्रांत 10 व्यक्तियों को चूज़ किया था उनको भी ऑन ऑफ जो है हम अपने साथ ड्यूटी पर ले रहे हैं जिससे कि पब्लिक पार्टिसिपेशन में इसमें रहे जो है सब मिलकर उसको बनाए रखें। इसके अतिरिक्त जो नॉर्मली जो सोशल मीडिया है हमारे लिए कई बार इस प्रकार के ऐसे पोस्ट और ट्यूमर्स आ जाते हैं उसको कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए हमारी साइबर क्राइम टीम और सोशल मीडिया टीम दोनों लगी हुई है। सर्विलांस टीम भी जो है उनको हमने कैंप कराया है ताकि किसी प्रकार की कोई बात अगर प्रकाश में आती है तत्काल उस पर विधिवत कार्रवाई कर सकें। ड्रोन से भी निगरानी करवाई जा रही है? ज़रूर, जो हमारे इम्पोर्टेंट और संवेदनशील जगह हैं एरिया हैं उन सभी एरियाज में हम ड्रोन से भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस पुराने शहर के करीब 5 स्थानों में एक एक ड्रोन उपलब्ध कराया गया है और उस तरफ ताजगंज और सदर बाजार के एरिया में भी हमने ड्रोन उपलब्ध कराया है ताकि हम उसकी मॉनिटरिंग कर सकें, ऊपर छत से देख सकें कि कहीं कोई ऐसा बात तो नहीं है जिसको जो अलार्मिंग सर कुरापाती लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो, जनता से क्या अपील करना? देखिए जो कुरापाती हमारे लोग हम लोगों ने चिन्हित कराए थे उन सभी के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी कर ली गई थी और साथ ही साथ हम उनको मॉनिटर भी कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस यूनिट उनको मॉनिटर कर रही है, थाने की यूनिट मॉनिटर कर रही है और हम उनसे सबसे अपने जनपद वासियों से अपील करेंगे, जनपद हमारा है, आपका है और इसको जो हमारी परंपरा है शांति व्यवस्था बनाए रखने की, प्यार मोहब्बत की, उसको बनाए रखें, इसमें सहयोग करें और जो मैंने कहा था कि मेरी मोहल्ला हर एक मोहल्ले को हम अगर सुरक्षित रखते हैं तो वो पूरा शहर सुरक्षित रहेगा और इसलिए मेरी मोहल्ला मेरा मोहल्ला मेरी जिम्मेदारी, इसलिए जो हम लोगों ने सबको कोशिश किया है कि उसको मोटिवेट करें। सभी से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, पुलिस की मदद करें और सहयोग देकर लेकर जो है पूरे शहर में शांति व्यवस्था जनपद में बनाए रखें। ठीक सर, थैंक यू सर।